ये जी भिंडी थी आधा किलो और एक पाव प्याज होंगे, कुछ मैंने मसाले में डाले हैं, कुछ भिंडी में फ्राई कर लिए हैं और थोड़ा सा गोश्त था उसको मैंने नमक मिर्च प्याज लहसुन वगैरह सब डाल के रख दिया था। अब ये गल गए, गलने के बाद फिर मैंने दो तीन टमाटर डाले हैं, दो तीन टमाटर डाल के अब इसकी बुनाइयाँ अच्छी तरह करेंगे। बुनाई करके तो उसके बाद फिर भिंडी डाल देंगे। अच्छी तरह बुनाई हो गई है। ये मेथी और होममेड मसाला है मेरा, थोड़ा सा ये जाएगा इसमें। जो भी भिंडियाँ हो गई हैं उनको मसाला भी भून गया है, बस इस पर डालनी है और भिंडी गोश्त तैयार। ये तकरीबन तैयार हो गए हैं, इसमें धनिया जाएगा। ग्रीन ग्रीन भिंडी, ग्रीन ग्रीन सब्ज धनिया। डिश आउट करें या ऐसे लुक देख लें, क्या ज़बरदस्त लुक और खुशबूदार। हाँ जी, सबका बहुत शुक्रिया नानो चैनल देखने का, हाथी नाना और नानो। तो अच्छी लगे अगर मेरी रेसिपी तो फिर आप लोगों ने क्या करना है आपको पता ही है, आपका दिल किया तो आपने सब्सक्राइब कर देना है, ना दिल किया तो कोई बात नहीं। सब खुश रहिए, खुशियाँ बांटे और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। नानों की दुआएं।